हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक साइंस तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सिक्स ऑफ मार्च 2024 की अगर एक्सपायरी आप ट्रेड करते मतलब अगर उस एक्सपायरी में आप अगर आप एन फ्लाई ट्रेड करते तो क्या प्रॉफिट क्या लॉस होते क्या क्या एडजस्टमेंट्स होती ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे और वो लोग जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए मेरे चैनल स्टॉक साइंस पे आपको मोस्टली एन फ्लाई के रिलेटेड ही एडजस्टमेंट्स देखने को मिलेगी जो मैं पिछले तीन साल से फॉलो करते आ रहा हूँ और हर एक वीक की बैक टेस्ट मैं यहाँ पे शेयर करूँगा जो कि मैंने एक्चुअल ट्रेड भी किया होता है ठीक है तो मैं वहाँ पे बैक टेस्ट रिजल्ट आपके पास सामने शेयर करूँगा तो इससे आपको कुछ लर्निंग भी मिल पाए ठीक तो है तो सीधे चलते हैं स्टॉक मॉक पे स्टॉक मॉक पे यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ फेब ठीक है क्योंकि हम प्रीवियस एक्सपायरी डे एंड के आसपास नए ट्रेड के लिए इनिशिएट करते हैं ठीक है सो यहाँ पे एंड ऑफ द डे चले जाएंगे एंड 15:20 पीएम के आसपास हम न्यू ट्रेड इनिशिएट करेंगे लगभग सवा तीन बजे के आसपास हम न्यू ट्रेड इनिशिएट करेंगे यहाँ पे सिक्स मार्थ एक्सपायरी में सेलेक्ट कर लेता हूँ ठीक है यहाँ पे हम क्या करेंगे एक ए टी एम प्राइज जो भी हैं एक स्टाडल शॉर्ट करेंगे एंड जो भी कंबाइंड प्रीमियम है सम यहाँ पे लगभग नाइन हंड्रेड के आसपास आ रही है ठीक है जो कंबाइंड प्रीमियम होता है जो शॉर्ट स्टाडल आपने किया होता है उसका जो कंबाइंड प्रीमियम होता है उसके प्लस करके सी साइड में 900 हंड्रेड पॉइंट प्लस हम कॉल बाइंग करेंगे एंड 900 हंड्रेड पॉइंट डाउन हम पुट बाय करेंगे ठीक है कंबाइंड प्रीमियम जो भी मिलता है इन दोनों चीज़ों का जो शॉर्ट किए हुए लेग होते हैं उन दोनों का कंबाइंड प्रीमियम करके वो हम उस ए में ऐड करते तो नाइन हंड्रेड प्लस हम कॉल बाय करते हैं नाइन हंड्रेड पॉइंट माइनस हम पुट बाय करते हैं मिनिमम दो लॉट से ही करेंगे हम ये स्ट्रेटेजी दो लॉट के लिए आपको मार्जिन लगता है इंक्लूडिंग ऑल द एडजस्टमेंट वन लैख सिक्सटी थाउजेंड रुपीज़ ठीक है तो चलिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ अगर आपने एनप्लाई डिप्लॉय किया होता तो क्या क्या एडजस्टमेंट्स होती कैसे कैसे आप ट्रेड कर पाते ठीक है तो चलिए मैं सीधा 15 15 मिनट से आगे जाते हैं 15 मिनट यहाँ पे एग्जैक्ट एडजस्ट कर लेता हूँ मैं 15 मिनट कैंडल क्लोज देखेंगे यहाँ पे ठीक है तो जो भी एडजस्टमेंट्स अभी हम देखेंगे फिफ्टीन मिनट कैंडल क्लोजिंग के बेसिस पे ही देखेंगे ठीक है एडजस्टमेंट कैसी होती है अगर ये आपके जो ब्रेक है ऊपर की साइड है फोर्टी सिक्स एट वन एट एंड डाउन साइड फोर्टी फाइव फाइव एट वन अगर ये ब्रेक के ऊपर कोई भी फिफ्टीन मिनट कैंडल क्लोज होती है देन आपको एडजस्टमेंट इनिशिएट करनी है ठीक है तो हम ये देखेंगे ट्रैक करेंगे कि ये कोई ब्रेक को ब्रीच होता है यहां पे देखते हैं यहां पे देखिए स्पॉट प्राइस चल रही है 46 सिक्स यहाँ पर आपको स्पॉट प्राइस दिखेगी 46.862 सिक्स एट सिक्सटी टू एंड और ब्रेक इवन इज़ फोटी सिक्स एट वन एट सो डेफिनेटली फिफ्टीन मिनट कैंडल तो क्लोज़ हो चुके हैं हमारे ब्रेक इवन के ऊपर तो यहाँ पर हम क्या करेंगे देखिए ये जो ब्रेक इवन है फोर्टी सिक्स एट वन एट ये राउंड में कर लेंगे नियरेस्ट हंड्रेड तो फोर्टी सिक्स एट हंड्रेड आएगा तो यहाँ पर हम फोर्टी सिक्स एट हंड्रेड पर यहाँ पर देखिए हम एक क्वान्टिटी शॉर्ट करेंगे हाफ क्वांटिटी मतलब जितने भी आप लॉट से जा रहे हो उसके हाफ क्वांटिटी हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे एंड उसके लिए एक टेन रुपीज़ के आसपास वाला एक हेज बाय करके जाएंगे और जैसे ही हम कोई भी शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करते हैं ठीक है जैसे भी हम कोई भी शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करते हैं जैसे कि हमने ए पे शॉर्ट किया है ए मतलब ब्रेक इवन जो था वो हमने शॉर्ट किया है तो जो पुट का लेग है ऑब्वियसली हमें रिवर्स बाइंग करनी कितना ये ये देखिए ये पुट का लेके ऑब्वियसली वो सस्ता चल रहा होगा क्योंकि मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए उसे बोलते हैं रिवर्स बाइंग ठीक है क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम पुट साइड से ऊपर आएंगे क्यों क्योंकि पुट साइज ऑलरेडी सस्ती हुई होगी क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है इसे इसलिए बोलते हैं रिवर्स बाइंग तो हम ट्वेंटी रुपीज़ डेबिट दे के ट्राई करेंगे जितना पॉसिबल हो सके ऊपर आने का तो यहाँ पे लगभग हम टू हंड्रेड स्ट्राइक्स ऊपर आ सकते हैं ट्वेंटी रुपीज़ डेबिट दे के सिक्सटी सेवन बुक करेंगे एंड एटी फाइव हम बाय करेंगे तो जनरल एक्चुअल लाइव मार्केट में आप हमेशा पहले बाय करो देन प्रीवियस लेग एग्जिट करो नहीं तो मार्जिन की दिक्कत आपको आ सकती है तो यहाँ है तो हमारा पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा आपको यहां पर एडजस्ट कर लेता हूँ आपका पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा अभी जैसे ही आप कोई शॉर्ट इनिशिएट करते हो तो आपका ब्रेक इवन एक्सटेंड होता है अभी ब्रेक इवन एक्सटेंड होकर हमारा हुआ है फोर्टी सिक्स नाइन एटी थ्री तो अभी क्या करना है जो सेकेंड शॉट हमें इनिशिएट करना है अगर नेक्स्ट फिफ्टीन मिनट कैंडल कोई भी इसके ऊपर क्लोज हो जाए तो हम सेकेंड शॉर्ट इनिशिएट करेंगे ठीक है तो हमें देखना है कि अगर वो ब्रिज होता है या नहीं देखिए यहाँ पे आपको लॉस दिख रहा होगा लगभग 1.8 परसेंट के आसपास यहाँ पे लॉस दिख रहा है देखिए हमने तो कुछ एडजस्टमेंट की नहीं एडजस्टमेंट विदाउट डूइंग एनी एडजस्टमेंट हमें एंड फ्लाई में इतना लॉस दिख रहा था इसके पीछे रीजन ये है कि जो रोलिंग स्टडल होता है ये यहाँ पे इसका इस मतलब ये है कि आई वी स्पाइक हुई यहाँ पे आप देख सकते हो देखिए ये वन मिनट का रोलिंग स्टैडल है ठीक है और ये हमने डाला था मतलब यहाँ पे आप नीचे देखो यहाँ पे डेज दिखता है मतलब एक मार्च को सुबह दस बजे के आसपास रोलिंग स्टाइडल चल रहा था अराउंड आप समझ सकते हो एट फिफ्टी के आसपास लेकिन सडनली आई वी स्पाइक हुई वो एट फिफ्टी से सीधा नाइन हंड्रेड तक गया मतलब सौ पॉइंट सौ पॉइंट से ए में इंक्रीमेंट हुई दोनों साइड के आई में राइट इसका मतलब क्या है कि जो शॉर्ट पोजिशन है वो ऑब्वियसली लॉस देने ही लगेगी विदाउट एनी रीज़न विदाउट एनी रीज़न जो शॉर्ट पोजिशन है वो लॉस देने लगेगी तो इसके चक्कर में जो हमें एम टी में दिखता है ये तो आई वी स्पाइक के कारण दिखता है ना कि स्ट्रैटेजी की वजह से ये मार्केट में तो आई वी जैसी स्पाइक होती है वो कूल cool ऑफ भी होती है ऐसे नहीं कि आई वी स्पाइक हुई तो वैसे ही रहेगी वहाँ पर इट गेट कूल्स डाउन पाँच दस पंद्रह मिनट बाद वो आई वी कूल ऑफ होती ही होती हैं ठीक है तो ये आपको दिखेगा इमीजिएट एम टू एम में ही आपको डिफरेंस दिखता है हमेशा कि जैसे ये आई वी कुल ऑफ होती है प्रीमियम इमीजिएटली ड्रॉप कर जाते हैं और मैं यहाँ पे रोलिंग स्टाडल जो पार्ट है रोलिंग स्टाडल मतलब क्या होता है जो भी करंट ए टी एम प्राइस चल रही होती है जैसे कि यहाँ पे फोर्टी सिक्स एट एट फोर इसका मतलब अगर नियरेस्ट हंड्रेड देखेंगे तो फोर्टी सिक्स नाइन हंड्रेड के आसपास पास यहाँ की ए टी एम है अगर इन दोनों का अब कंबाइन प्रीमियम आप देखोगे तो ये टोटल नाइन जीरो सिक्स के आसपास आएगी तो यही रोलिंग स्टाइडल यहाँ पे दिखाता है नाइन जीरो सिक्स राइट इसका मतलब क्या है यहाँ से ये बढ़ गई जनरली ऑप्शन तो ड्रॉप होने चाहिए प्रीमियम्स लेकिन यहाँ पे ये बढ़ गई इसका मतलब क्या है कि आई वी इंक्रीज़ हुई है इसलिए रोलिंग स्टाइडल की प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है। तो यहाँ पे अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो सारे ऑप्शन स्पाइक हुए सारे ऑप्शन के प्रीमियम स्पाइक हुए इसका मतलब क्या है कि आपकी जो भी शॉर्ट पोजिशन है ऑटोमेटिकली लॉस देने लगेगी जब आप जहाँ पर भी खड़े ठीक है लेकिन ये आई वी कूल ऑफ भी होती है विद इन टेन फिफ्टीन मिनट के आसपास आपको यहाँ पे पी एन एल में देख के ये पता चल जाएगा कि आई वी कूल ऑफ हुई है या नहीं फिफ्टीन फिफ्टीन मिनट से हम आगे जाएंगे देखिए ये हमारा ब्रेकिवन है फोर्टी सिक्स नाइन एटी थ्री और उसके ऊपर मार्केट ने क्लोज़ कर दिया है फिफ्टीन मिनट कैंडल ठीक है आई वी देखिए वही पे ही है नाइन जीरो नाइन ऐसे कोई है नहीं कि आई वी बढ़ गई है कम हुई है ठीक है हम देखिए हम नेक्स्ट ऑट भी इनिशिएट करते हैं सेल एंड उसके लिए ऑब्वियसली टेन रुपीज़ का है हम बाय करेंगे एंड देखिए यहाँ पे भी हम ट्राई करेंगे रिवर्स बाइंग करने की ठीक है लेकिन देखिए आपने एक ही दिन में एडजस्टमेंट कर ली ये दोनों ठीक है मैं जनरली सजेस्ट नहीं करता कि एक दिन में करो लेकिन मैं दिखाता हूँ अगर बहुत सारे लोगों का आ, कहना आता है कि एग्रेसिव वे से अगर हम मैनेज करेंगे तो कैसा होता है देखिए अगर कोई भी आप एक स्टाइल से करोगे ठीक है एग्रेसिव करो या डिफेंसिव वे से करो मतलब एक एक शॉर्ट मार्केट और एक, एक दिन के बाद ठीक है लेकिन आपको वही कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि कंसिस्टेंसी ही एक की है जो आपको इस स्ट्रैटर्जी में या कोई भी स्ट्रैटर्जी हो वहाँ पे प्रॉफिट देगी आप अगर चेंज करते रहोगे हमेशा इन बिटवीन टू एंड फ्रो इस वीक को आपको लगा कि ये करेंगे नेक्स्ट वीक आपको लगा कि मैं दूसरी स्टाइल से करूँगा तो ये पॉसिबल नहीं है तो रिटर्न आपके बहुत कॉम्प्रोमाइज करोगे आप रिटर्न में तो इट्स बेटर अगर आप एक स्टाइल से जा रहे हो एक स्ट्रैटी कर रहे हो और वो भी एक स्टाइल से जा रहे हो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड या लो रिस्क लो रिवॉर्ड तो आप इट्स बेटर कि आप उसी स्टाइल पे स्टिक करो पूरे साल के लिए तो आपके रिटर्न्स कंसिस्टेंटली बढ़ते जाएंगे आपको और ऐसा कभी होगा नहीं कि आपको बड़ा लॉस हुआ है बड़ा प्रॉफिट हुआ है या बड़े ड्रॉडाउंस आए आप रिकवर भी जल्दी कर जाओ लेकिन आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी तो ये सारी चीज़ें इसमें तो बहुत और भी एडवांस चीज़ें कि एग्रेसिव वे से मैनेज करना है तो कैसे करना है डिफेंसिव uh, वे से मैनेज करना है मतलब आपको अगर बड़ा कैपिटल है आपको ज़्यादा रिस्क लेनी नहीं है तो कैसे आप मैनेज कर सकते हो ये सारी चीज़ें हमारी हैंड होल्डिंग बैचेस चालू होने वाली है मार्च महीने से तो अगर आप जो भी सीरियस है एंड फ्लाई के इस बारे में या एंड फ्लाई के सारे इनपुट्स आपको अगर सीखने हैं तो एडवांस जो एडजस्टमेंट्स है इस स्ट्रैटेजी के वो वहाँ पे हम सिखाते हैं और लाइव हैंड होल्डिंग भी होता है वन मंथ के लिए और मैं सारा एक्सपीरियंस भी पिछले साढ़े तीन सालों से मैं ये सीरियस सारी चीज़ें करते आ रहा हूँ पर्टिकुलर सिर्फ यही स्ट्रैटी तो बहुत सारे इनपुट्स है वहाँ पर शेयर करता हूँ मैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के रिक्वायरमेंट्स आते हैं कि हमें ये सीखना है तो इसलिए ये कोर्स में आपको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज भी मिलेगा रिलेटेड टू आयन फ्लाई एंड हम ट्रेड भी करेंगे एक मंथ के लिए जहाँ पे मैं बहुत सारे इनपुट्स आपके साथ शेयर भी करूँगा तो अगर आप इंटरेस्टेड हो सीरियस uh, लर्निंग हो आयन फ्लाई के बारे में ही करना चाह रहे हो आयन फ्लाई ज़्यादा एडवांस्ड में से सीखना चाह रहे हो तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है आप डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हो ठीक है तो फिर से एडजस्टमेंट की तरफ आते हैं हम यहाँ पे देखें हमने सेकंड शॉट भी इनिशिएट कर लिया है ठीक है अभी हम क्या करेंगे 15 15 मिनट से और आगे जाएंगे अभी हमें कुछ करना नहीं है सीधा डे एंड पे हमें आना है और डे एंड पे मैं फिफ्टीन मिनट आगे चला जाता हूँ देखिए इमीडिएट प्रॉफ़िट कम हुआ है लॉस कम हुआ है ऑब्वियसली मार्केट थोड़ा आगे ट्रैवल किया है लेकिन आई वी भी कूल ऑफ हुई है यहाँ पर आपको दिखेगा एट सिक्स नाइन एट सिक्स वन यहाँ पर भी देखिए रोलिंग सैडल कैसे तेज़ी से ड्रॉप किया मतलब यहाँ टॉप पे गया था एट फिफ्टीन और देश की तेज़ी से ड्रॉप किया तो ये होता है आपको अगर आप ऑप्शन सेलिंग भी कर रहे हो जो लोग नए हो तो अगर इमीजिएट आपको लॉस दिखने लगा है स्ट्रैटेजी में या जो भी हो कोई भी स्ट्रैटेजी हो तो आप हमेशा रोलिंग सैडल ट्रैक करो आपको पता चल जाएगा कि क्यों लॉस हो रहा है सडन तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि हाँ आई वी स्पाइक अगर आई वी स्पाइक है तो डेफिनेटली वो कूल cool ऑफ भी होती है एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम में तो ये भी सारी चीज़ें हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि क्यों लॉस हो रहा है मार्केट हमारे डायरेक्शन में ही जा रहा है लेकिन फिर भी लॉस हो रहा है हमें शॉर्ट करके तो इसका रीज़न ये होता है कि आई वी स्पाइक होती है ये आपको रोलिंग स्टाइडल ये जो फीचर्स हैं यहाँ पे यहाँ पे देख के आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में लॉस हो रहा है वो जेन्यून है या स्पाइक हुई है इसके चक्कर में ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएगी ठीक है तो यहाँ पर फिफ्टीन मिनट में और आगे चलता हूँ यहाँ पे क्या करना है हमें पहले हमें रिवर्स बैंक करनी है सवा तीन बजे के आसपास आए हम यहाँ पे ट्वेंटी रुपीज देखे डेबिट देखे हम देखेंगे कि कोई कितना हम आगे आ सकते हैं तो यहाँ पे अगर देखे तो फिफ्टी फाइव सिक्सटी फाइव के आसपास मतलब यहाँ पे मतलब लगभग फोर हंड्रेड स्ट्राइक्स आप ऊपर आ सकते ट्वेंटी रुपीज ये फायदा होता है देखिए अगर ये जो मैं बोलता हूँ ना कि डे एंड पे रिवर्स बाइंग करनी है हमें ये करनी इसके पीछे का रीजन ये होता है कि जो आई होती है वो स्कूल ऑफ हुई होती है अगर यही चीज़ आप 900 के आसपास आई चल रही होती है ये तो पूरे दिन में ही हम देख रहे हैं ऐसा नहीं कि दो दिन बाद देख रहे आई थिंक बारह एक बजे के आसपास आई वी नो हंड्रेड के आसपास चल रही थी अभी एट है तो इसका मतलब क्या है कि हमें प्रीमियम और सस्ते मिलेंगे इसलिए जो हम रिवर्स बाइंग करते हैं सवा बजे के आसपास मतलब थ्री फिफ्टीन के आसपास रिवर्स बाइंग इसका और एक्स्ट्रा बेनिफिट हमें मिलता है अगर यही रिवर्स बाइंग आप सवा ग्यारह बजे के आसपास करते जो शॉर्ट इनिशिएट हुआ है सेकेंड शॉर्ट इनिशिएट हुआ था हमारा तो इसके चक्कर में क्या होता कि आप ज़्यादा डेबिट दे चुके होते मार्केट वही रिवर्स बाइंग हमने सवा तीन बजे के आसपास की तो हम कम डेबिट देंगे लेकिन बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमें मिलेगा कि यहाँ पे 65 के आसपास लगभग फोर हंड्रेड थ्री हंड्रेड स्ट्राइक्स हम ऊपर आ सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे मैंने दो लॉट बाय किए एंड प्रीवियस जो लेग था वो मैंने एग्जिट कर लिया फोर्टी फाइव रुपीज यहाँ ठीक है और ये एक चीज यहाँ पे नोटिस करो कि हमारा ये जो लेग है मार्केट ने यहाँ पे देखो फोर्टी सेवन वन हंड्रेड एंड प्लाई का हमारा बाइंग लेग है ठीक है फाइव सिक्सटी वन ये भी लेग इन द मनी हो चुका है तो हम क्या करेंगे ये रिस्क थोड़ा एडवांस वैसे मैं बताता हूँ मतलब कि जहां पे जो लोग ज्यादा रिस्क लेना चाह रहे हैं उनके लिए मैं बताता हूं कि लोग जैसे ही होता है हमारा 47, तो हम क्या करेंगे यहां पे मैं एग्जैक्ट दिखाता हूं थोड़ा पीछे आके देखिए यहां पे लगभग यहां पे हमारा इन लेग इंदा मनी होता है लगभग ढाई बजे के आसपास ठीक है तो हम क्या करेंगे जैसे ही लेग इंद मनी होता है हम क्या करेंगे इसे शिफ्ट करेंगे और आईटीएम में कहाँ पे पे हमारा एक्स्ट्रा शॉर्ट है यहां पे जहां पे हमारा एक्स्ट्रा शॉट है, 800, जो किया है सेम मैच दो में, तो इससे होता क्या है मैं पे आपको और इस, में बुक करेंगे ऊपर तो की तरफ तो इसका मतलब क्या होता है कि आप जो पूरा प्रॉफिट है वो लॉक कर रहे चुके होते हो ठीक है तो मार्केट कहाँ पे भी जाए इसमें और भी बहुत सारे वेज है मैं आपको एक मिनटीन के आके दिखाता हूँ Okay. इसमें और सारे बहुत सारे वेज है कि ये प्रॉफिट आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो जो हम हमारी जो लाइन फ्लाई की जो बैठेस है वहाँ पे मैं सिखाता हूँ ठीक है तो देखिए यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिख रहा है थर्टी सिक्स हंड्रेड के आसपास ठीक है और आपका लॉस्ट चल रहा है वन फोर्टी फाइव रुपीज के आसपास माइनस वन फोर्टी फाइव रुपीज के आसपास तो हमें क्या करना है देखिए अभी यहाँ पे आपको रिस्क है डाउन साइड ठीक है तो रिस्क निगेट करने के लिए हम क्या करेंगे लगभग थ्री फिफ्टीन मतलब थ्री ट्वेंटी फाइव पी के आसपास हम एक ओवरनाइट हेज बाय करके जाएंगे कितने रुपीज़ का अराउंड थर्टी फाइव रुपीज़ के आसपास का जो कि पॉइंट वन डेल्टा के आसपास ट्रेड कर रहा होगा भाई यहाँ पे देखिए थर्टी फाइव मतलब थर्टी थ्री पॉइंट थी हम बाय करके जाएंगे कितने क्वान्टिटी से दो क्वान्टिटी से क्योंकि हमने hmm. दो लॉट शॉर्ट किया एंड लाइक जो एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट हमने की थी ना यहाँ पे ब्रेक इवन जो ब्रीच हुआ था फोर्टी सिक्स से हमने दो शॉर्ट किए तो इसका मतलब हमें दो ओवर नाइट हैजेस बाय करके जा रहे हैं और ये निकालने का ब है नेक्स्ट डे अराउंड नाइन थर्टी पी एम नाइन थर्टी एम के आसपास साढ़े नौ बजे के आसपास तो हम नेक्स्ट डे देखते उन्होंने लॉस दिया हमने बुक किया ठीक है तो हमारा पे ऑफ अभी भी कुछ ऐसा दिख रहा है ठीक है अभी कुछ नहीं करना है देखिए क्योंकि क्या है हमारा जो नीचे वाला पॉइंट है ऑलमोस्ट टू परसेंट डाउन साइड है ठीक है तो हमें कुछ नहीं करना है सीधा डे एंड तक जाना है एंड ऑफ द डे रिवर्स बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है सवा तीन बजे के आसपास रिवर्स बैंक की अपॉर्चुनिटी कोई है या नहीं क्योंकि क्या करना है हमें ये जो पुट वाला लेगे धीरे 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 स्टैंडल के बाजू में ला रखना है इसके पीछे का रीजन यह है अगर यहां से मार्केट रिवर्सल होता है तो ये चीज हमें बहुत अच्छी तरीके से बचाती है रिवर्स बैंक तो इसलिए यहां पे भी हम देखेंगे कि ट्वेंटी रुपीज अगर डेबिट देते हैं तो हम सीधा स्टैंडल के बाजू में आके बैठ सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे मैं सीधा स्टार्टिल के बाजू में आऊंगा तो हम ऑलमोस्ट रिस्क फ्री होते हैं ठीक है ज्यादा लॉस अगर होगा नहीं कितना भी बड़ा रिवर्सल आए हमें ज्यादा लॉस होगा नहीं तो इसलिए रिवर्स बाइंग हमेशा देखने में हमें कि कब कब अपॉर्चुनिटी मिलती है रिवर्स बाइंग की तो देखिए पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसे बना और ट्वेंटी के आसपास अभी भी प्रॉफिट आपको बचा हुआ है इसमें ठीक है यहाँ पे एंड एज यूजल ओवरनाइट नाइट हैज हमें बाय करके जाना है थर्टी फाइव रुपीज के आसपास देखिए अभी क्या होगा ये हमारा स्टैडल पॉइंट है, है यहाँ पे ठीक है अगर आप थर्टी फाइव रुपीज़ का बाय करने जाओगे तो ये स्टैडल के आगे मिलेगा आपको या स्टैडल के आसपास तो मैं जनरली सजेस्ट करूँगा कि स्टैडल के आगे मत जाओ जो ओवर नाइट है बाय करने जाते हो इसका मतलब अगर आपको ये स्टैडल के आगे मिल रहा है आप ये चीज़ नोटिस करो अगर ये आपको स्टैडल के आगे मिल रहा है इसका मतलब आप ऑलरेडी स्ट्रैटेजी में प्रॉफिटेबल हो जनरली अगर ये स्टैडल के आगे आपको मिल रहा है तो आप जनरली स्टैडल स्ट्रैटी में बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिटेबल हो और मार्केट आपके डायरेक्शन में आपके फेवर में चला गया है सारी एडजस्टमेंट करने तो यहाँ पे ज़्यादा डेबिट देने का फ़ायदा है नहीं तो स्टैडल के पीछे वाला बाय करके जाओ तो मैं यहाँ का बाय करके जाओ आप ये चीज़ हमेशा नोटिस करो कि अगर आपके स्टैडल के आप आगे थर्टी फाइव वाला आपको मिल रहा है तो इसका मतलब आप स्ट्रैटी में बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल हो तो इससे ज़्यादा डेबिट देने का कोई फायदा है नहीं तो स्टाडल के पीछे वाला जो लेग है वो आप वो बाय करके जाओ देखिए पे ऑफ ग्राफ कितना अच्छा बन गया आपका ऐसा नहीं कि कुछ रिस्क है आपको ओवरनाइट कितना भी बड़ा गैप अप गैप डाउन गैपडाउन ठीक है तो ज़्यादा डे क्या होता है ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन में लेनी पड़ती है हमें कि ज़्यादा डेबिट कब देना है कब नहीं देना है तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ती है ये डेफिनेटली जैसे जैसे आप ट्राई करते जाओगे तो आपको बहुत सारी इंसाइट्स इससे मिलते जाएंगे ठीक है तो हम नेक्स्ट डे हम नाइन ट्वेंटी साढ़े नौ बजे के आसपास चले जाते हैं और नाइट है है एग्जिट करते हैं ठीक है फिर से हमारा पे ऑफ ऐसा कुछ दिखेगा आपको आपका प्रॉफिट चला है फोर्टीन हंड्रेड के आसपास ठीक है इससे मार्जिन लगता है एक लाख साठ हज़ार के आसपास स्टॉक मॉप में थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे जनरली एक लाख साठ हज़ार के आसपास ही हमारे तो आई जो भी देखेंगे हम वन लाख सिक्सटी थाउजेंड के आस मतलब वन लाख सिक्सटी थाउजेंड अमाउंट कंसिडर करके ही देखेंगे ठीक है और मैं सीधा यहाँ पर भी एंड ऑफ द डे चला जाता हूँ देखिए अभी हमें ऑलमोस्ट 1.5 परसेंट के आसपास प्रॉफिट हो रहा है और मैक्सिमम यहाँ पे आपको दिख रहा है 2500 के आसपास और ऑलरेडी आपको ट्यूसडे नेक्स्ट डे एक्सपायरी है ठीक है तो यहाँ पे ज़्यादा रिस्क लेने की जरूरत है नहीं कि टू हंड्रेड के लिए आप ओवरनाइट डेबिट भी देखे जाओ थर्टी फाइव या जो भी है बाय करके जाओ तो ये इसको कोई सेंस बनता नहीं तो इट्स बेटर कि यहाँ पर आप सैटर्जी एग्जिट करके जाओ और 1.5 परसेंट के आसपास आपने प्रॉफिट भी बुक किया इस वीक में और यहाँ पे ज़्यादा डेबिट देने का भी कोई मतलब बनता नहीं कि आप ओवरनाइट रिस्क कैरी करके जाओ तो यहाँ पे ट्रेड क्लोज करना ही मैं सजेस्ट करूँगा हाँ अगर आप एज़ कुछ सीखना चाह रहे हो तो ऑब्वियसली यहाँ पे और भी बहुत सारे वेज है कि ये प्रॉफिट आप कैसे बढ़ा सकते हो राइट तो ये सारी चीज़ें आपको सीखने के मिलेंगी हमारे हैंड होल्डिंग सेशन में तो डेफ़िनेटली अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और भी मैं जैसे जैसे वीक पास होते जाएंगे मैं एक एक वीडियोस अपलोड करते जाऊंगा यहाँ पे जो भी हो प्रॉफिट हो लॉस हो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ प्रॉफिट वाली इस वीडियो डालता हूँ क्योंकि स्ट्रैटर्जी में कंटिन्यूअसली प्रॉफिट हो रहा है पिछले एक दो महीने से जैन अगर जनवरी फर्स्ट वीक आ, या आई थिंक डिसम्बर का मिड ऑफ जैन आई थिंक एक वीक छोड़ के कंटिन्यूसली स्ट्रैटर्जी में प्रॉफ़िट हो रहा है तो ऐसा है नहीं कि स्ट्रैटेजी में लॉस होते नहीं लॉस भी होते जैसे जिस वीक लॉस होगा मैं डेफिनेटली वीडियो अपलोड करूंगा क्योंकि मुझे जेनुअन रहना है ट्रांसपेरेंट जो भी चीज़ें आपको सारी यहाँ पे शेयर करनी ठीक है लॉस होगा मैं लॉस शेयर करूंगा प्रॉफिट होगा मैं प्रॉफिट शेयर करूँगा लेकिन आपको भी लर्निंग मिलती जा रही है ठीक है क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं वो लोग कर रहे हैं एक्चुअल में प्रॉफिटेबल है तो मुझे भी अच्छा लगता है कि लोग देखिए और मैं यहाँ पे बताने के लिए मैं दो लॉट से बता रहा हूँ ठीक है तो लोग बोलते हैं कि ब्रोकरेज का इशू आता है ब्रोकरेज ज़्यादा जाता है देखिए ये पूरे वीक का ट्रेड है ठीक है दो लॉट से मैं मिनिमल मिनिमम मैं आपको बोल रहा हूँ आप कितने भी लॉट साइज़ बढ़ाओ ब्रोकरेज तो कांस्टेंट रहने वाला है ठीक है तो ऐसा नहीं मैं सिखाने के लिए यहाँ पे दो लॉट बोल रहा हूँ लेकिन जैसे जैसे आप कॉन्फिडेंट होते जाओगे स्ट्रैटेजी करते करते तो आप धीरे धीरे लॉट साइज बढ़ाते जाओ ऐसा नहीं होगा कि आपको कभी प्रॉफिट होगा ही नहीं लेकिन आप हाँ आप कंसिस्टेंटली रहो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा और इसमें भी मल्टीपल वेरिएशन से अगर आप एडवांस में सीखना चाह रहे हो तो डेफिनेटली कॉन्टैक्ट भी कर सकते तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी आपको कुछ नई लर्निंग भी मिली रहेगी अगर आपको ऐसी वीडियोस देखनी है और एडवांस एडजस्टमेंट सीखनी है तो डेफ़िनेटली चैनल uh, को सब्सक्राइब करो आने वाले एवरी वीक का मैं वीडियोस यहाँ पे अपलोड करने की कोशिश करेंगे जो भी हो प्रॉफ़िट हो लॉस सो थैंक यू सो मच गाइस